आप न्याय कैसे दोगे? आपको डीजीपी का स्टेटमेंट नहीं सुनाई दे रहा कि पुलिस दबाव में है, तो डॉक्टर दबाव में नहीं होंगे? और आप जानते हो कैमरा क्या दिखाता है? भीड़ है नहीं, हाथ में दो रिवॉल्वर। ये नया जमाना है। आपने एक यादव की हत्या कर दी, अब आपको बैलेंस करना है, समाज में दिखाना है कि निष्पक्ष है, तो आपने छत्री की भी हत्या कर दी। यूपी सरकार ने एनकाउंटर पर नई एडवाइजरी जारी की, जिसमें कहा गया कि जहां जहां भी एनकाउंटर होंगे वहां पर वीडियोग्राफी होगी, वहां पर जाकर डॉक्टर्स के पैनल चेक करेंगे। इतना ही नहीं, फॉरेंसिक टीम भी एनकाउंटर की जगह जाएगी। इसी पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार की नियत पर सवाल उठाते हुए सीधे तौर पर हमला बोल दिया, साफ कह दिया कि ये सब किसके अधिकारी होंगे। जब बीजेपी की नियति साफ नहीं है, आप न्याय कैसे देंगे? आपको डीजीपी का स्टेटमेंट नहीं सुनाई दे रहा है? पुलिस दबाव में है तो डॉक्टर दबाव में नहीं होंगे? और आप जानते हैं कि कैमरा क्या दिखाता है? भीड़ ही नहीं, हाथ में दो रिवॉल्वर। ये नया जमाना है। जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जहां हत्या हुई है, वो जांच का विषय बनता है। इस दौरान अखिलेश यादव ने अमिताभ यश के उस वायरल वीडियो की ओर इशारा किया, जिसमें वो बहराइच की सड़कों पर हाथ में रिवॉल्वर लिए घूम रहे थे। अखिलेश यहीं नहीं रुके, उन्होंने यूपी को कस्टोडियल डेथ के मामले में नंबर वन बताया, बीजेपी पर बरस पड़े। साथ ही इस दौरान अखिलेश यादव ने यूपी पुलिस के सीनियर अधिकारी अमिताभ यश के उस वायरल वीडियो की ओर इशारा किया, जिसमें अमिताभ यश बहराइच बवाल के दौरान सड़क पर बंदूक लहराते देखे गए थे। जो नियम के विरुद्ध है, जहां हत्या हुई है वहां वो जांच का विषय बनता है। सर, इसी पर अब नई एडवाइजरी आज जारी हुई है, पुलिस विभाग ने जारी की है कि जहां जहां भी एनकाउंटर्स होंगे वहां पर वीडियोग्राफी होगी, डॉक्टर्स के पैनल चेक करेंगे, वहां पर जाके फॉरेंसिक टीम जाएगी, इसको किस तरीके से देखेंगे? ये सब किसके अधिकारी होंगे? जब बीजेपी की नियति साफ नहीं है, आप न्याय कैसे दोगे? आपको डीजीपी का स्टेटमेंट नहीं सुनाई दे रहा कि पुलिस दबाव में है, तो डॉक्टर दबाव में नहीं होंगे? और आप जानते हो कैमरा क्या दिखाता है? भीड़ है नहीं, हाथ में दो रिवॉल्वर। ये नया जमाना है। साथ ही अखिलेश यादव ने एनकाउंटर पर भी सवाल उठाए। इस दौरान उन्होंने यादव और क्षत्रिय के एनकाउंटर की बात कही। यहाँ अखिलेश यादव सुल्तानपुर डकैती कांड की बात कर रहे थे। दरअसल इस मामले में आरोपी मंगेश यादव का एनकाउंटर कर दिया गया था, जिसके कुछ दिनों बाद अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर कर दिया गया था। पूरे उत्तर प्रदेश को इन्होंने कस्टोडियल डेथ में नंबर एक बना दिया है। कस्टोडियल डेथ में नंबर एक है, फेक एनकाउंटर से नंबर एक है। और देखिए क्या है, कानून क्या कहता है, इनका संविधान क्या कहता है। अगर आपने एक यादव का एनकाउंटर कर दिया, एनकाउंटर में हत्या कर दिया आपने, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें छतरी भी मारना पड़ेगा। ये कहां का कानून है? आपने एक यादव की हत्या कर दी, अब आपको बैलेंस करना है, समाज में दिखाना है कि निष्पक्ष है, तो आपने छत्री की भी हत्या कर दी और उसके पिताजी घर वालों से कहा कि नहीं, ये तो विपक्ष की वजह से हत्या हुई है। यहाँ अखिलेश यादव जिस यादव और क्षत्रिय के एनकाउंटर की बात कर रहे हैं, उस पर बता दें कि दरअसल अखिलेश यादव सुल्तानपुर डकैती कांड की बात कर रहे हैं। इस मामले में आरोपी मंगेश यादव का एनकाउंटर कर दिया गया। दरअसल हुआ यूं था कि सुल्तानपुर में दिन दहाड़े ज्वेलरी शोरूम लूटने के मामले में 1 लाख के इनामी मंगेश यादव का यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर कर दिया था, तो सवाल खड़े होने लगे थे। सवाल मंगेश यादव के एनकाउंटर से पहले गैंग के सरगना और मुख्य आरोपी विपिन सिंह के रायबरेली में सरेंडर किए जाने पर भी उठे थे। तब समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया था कि पुलिस अपराधी की जाति देखकर गोली चलाती है। मंगेश का एनकाउंटर इसलिए किया क्योंकि वो यादव था, जबकि इस वारदात में शामिल मुख्य आरोपी विपिन सिंह को सरेंडर करवाया गया, जिसके बाद यूपी एसटीएफ ने एक और बदमाश अनुज प्रताप सिंह को एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। अनुज पर भी 1 लाख रुपए का इनाम था और वो डकैती की वारदात के बाद से फरार चल रहा था। पुलिस काफी दिनों से उसकी तलाश में भी जुटी हुई थी, जिसके बाद आरोप लगाते हुए कहा गया था कि मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर किया गया है क्योंकि वो राजपूत था। सुल्तानपुर में ज्वेलरी शोरूम में डकैती केस के बारे में आपको बता दें कि इसमें जो आरोपी थे उन पर 1-1 लाख का इनाम घोषित किया गया था, जिसमें फुरकान, अरबाज, विनय शुक्ला, अंकित यादव, अजय यादव, अरविंद यादव, विवेक सिंह, अनुज प्रताप सिंह, दुर्गेश प्रताप सिंह का नाम शामिल था। 28 अगस्त 2024 को हुई इस घटना में 3 सितंबर को सचिन सिंह, गोविंद सिंह और त्रिभुवन को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार किया गया था। और इस सुल्तानपुर एनकाउंटर पर सियासत भी बहुत हुई थी, तो उसी की बात करते हुए अखिलेश यादव ने यहाँ पर यूपी पुलिस पर दबाव की भी बात कही और कहा कि यूपी पुलिस पर काफ़ी दबाव है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं।
और यूपी की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।